SP9 न्यूज में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए हर राज्य में अन्य पार्टियों ने कमर कस ली है। हर एक पार्टी यहां पर अपनी दावेदारी पेश करती हुई नजर आ रही है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की दौड़ में लग चुकी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की बात कही जाए तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरा जा रहा है। अब ऐसे में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मऊ में घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को मतदान होना है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नेता शिवपाल यादव ने पूरी तरह से यहां पर डेरा डाला हुआ है। वो लगातार कार्यकर्ताओं के संपर्क में बने हुए हैं और घर घर जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इस बीच सपा नेता ने घोसी में अल्पसंख्यकों को धमकाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद उन्होंने इस सिलसिले में मऊ के DM से भी मुलाकात की और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है। सपा नेता शिवपाल यादव को शिकायत मिली थी कि सपा कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, जिसके बाद शिवपाल यादव फौरन मऊ पहुंच गए और यहां के DM से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि हमें बहुत सी शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद जिलाधिकारी से मिलना बहुत जरूरी हो गया था। हमने यहां पर निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की मांग की है। इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से DM और पुलिस कप्तान को ही दी जा रही है, ताकि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी हो। शिवपाल यादव ने इसके अलावा भी कहा कि हमें बहुत सी शिकायत मिली है। अल्पसंख्यक मुसलमानों को घर घर जाकर धमकाया जा रहा है। कुछ ऐसे हैं जो अभी से BJP के लिए वोट भी मांगने लगे हैं, धमकाते भी हैं, पकड़ भी लेते हैं। दबाव बनाने पर हमारे प्रत्याशी सुधाकर सिंह जाते हैं और ये सब चीजें देखते हुए नजर आते हैं। ये सब तरीके से एक तरीके से डर फैला रहे हैं, टेरर फैला रहे हैं। ऐसी बात यहाँ पर शिवपाल यादव ने कहा। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि वोट यहाँ पर समाजवादी पार्टी को ना पड़े, भारतीय जनता पार्टी को पड़े, इसलिए एक बड़ा षड्यंत्र यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगी आदित्यनाथ सरकार का देखा जा रहा है। इसलिए यहाँ पर सीधे तौर पर शिवपाल ने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर निशाना साधा है और साफ तौर पर कहा है कि समाजवादी पार्टी की जीत यहाँ पर उपचुनाव में तो होगी, बल्कि लोकसभा के चुनाव में भी जीत होती हुई नजर आएगी। अब आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनती हुई नजर आएगी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी या किसी अन्य की? क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।